Assalamualaikum, क्या हाल है आप सबके। दिस इज़ मामा इन मिडल ईस्ट। मैं हूँ इस वक्त किडज़ेनिया में, जो कि है यास मॉल अबू धाबी में। एंड यहाँ सबसे पहले हमने परचेज़ किए थे हमारे टिकट्स, एंड साथ ही हमें मिला था एक बैंक कार्ड जो कि अरहम के नाम का था। अच्छा, मैं हाईली रिकमेंड करूँगी अगर आपका इतफ़ाक़ होता है अबू धाबी आने का, सो ये जगह अपने बच्चों को लेके ज़रूर आएँ। एक बहुत बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। मैं आपको जो है ये बता दूं कि इधर जो है जितने भी प्रोफेशन आप सोच सकते हैं वो सारे बच्चों को एक्सपीरियंस करवाए जाते हैं। उन सब की डिटेल्स बच्चों को दी जाती हैं। यहाँ पे हर तरह की चीज़ थी। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन था, यहाँ पे पुलिस स्टेशन था, डॉक्टर, डेंटिस्ट, क्लीनर से लेके फायर फाइटर, आप जो कुछ सोच सकते हैं। इवन यहाँ पे टीवी एक्टर, फिल्म मेकर, एनीथिंग। और मैंने जब पर्टिकुलरली ऑडिशन जो है एरिया देखा था, तो मैं अपने हस्बैंड से ये कह रही थी कि हमाद एवरीथिंग इज़ अपनी जगह, लेकिन इधर आने की अरहम को मुझे लगता है बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ड्रामा और एक्टिंग हमारे बच्चों को वैसे ही बहुत अच्छा आता है, तो ये काम तो इन बच्चों को करने की ज़रूरत है ही नहीं। एनीवेज़, सो बैंक कार्ड का मकसद ये होता है कि आपके बच्चा जितना भी टाइम स्पेंड करता है जिस भी एक्टिविटी और प्रोफेशन में, वो सारा काउंट होता है और वो आपके बैंक कार्ड में जो है फीड कर दिया जाता है। एंड इन दी एंड जितना भी टाइम आप स्पेंड करते हैं वो सब आप कैश आउट करवा सकते हैं। सो वैसे तो यहाँ पे लिटरली एक होल डे चाहिए टू एक्सप्लोर दिस प्लेस। ये इतना बड़ा था, यहाँ पे इतनी एक्टिविटीज़ थी, और जितनी डिटेल्स में जितनी अच्छी तरह यहाँ पे स्टाफ जो है बच्चों को ब्रीफ कर रहा था, समझा रहा था, सिखा रहा था, वो बहुत फैसिनेटिंग था। और हमने मिल्क मेकिंग फैक्ट्री में जो है पार्टिसिपेट किया, और हमने जूस मेकिंग फैक्ट्री में, कंस्ट्रक्शन में, ही इवन पार्टिसिपेट इन पायलट एक्टिविटी। मतलब हमारी कोशिश थी और हम जितना हो सके जो है एक्सप्लोर करें। हमने गुड 3 आवर्स यहाँ पे स्पेंड किए थे, एंड स्टिल हमारे पास और भी प्रोफेशन थे जो हमें करने थे। एनीवेज, नेक्स्ट टाइम ज़रूर इंशाल्लाह। सो सबसे मज़े की यहाँ पे एक्टिविटी मुझे फायर फाइटर की लगी, बिकॉज इन लोगों ने यहाँ पे पहले तो ब्रीफ किया था बच्चों को हाउ टू डील विद इट, एक एमरजेंसी में किस तरह डील करना है। एंड देन दे क्रिएटेड अ सिचुएशन जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। इट वॉज सरप्राइजिंग। और इन्होंने क्रिएट की सिचुएशन और फायर अलार्म हुआ, एंड किड्स रश फायर ट्रक में बैठ के ये लोग गए आग बुझाने के लिए। एंड वो बड़ा मज़े का सीन था, हमने तो बहुत इन्जॉय किया। एंड टू बी ऑनेस्ट, एक बहुत हेल्दी, एक बहुत माइंडफुल एक्टिविटी है बच्चों के लिए। मुझे पर्सनली यहाँ लाकर हमको बहुत खुशी हुई। यहाँ नेबर्स में लगी हुई थी आग और मैं आ गई थी डोनट्स खाने। मेरी नज़र पड़ी डोनट्स स्टेशन पे,
तो मैं तो आ गई थी सबसे पहले डोनट्स लेने, और साथ ही फायर ट्रक गुजरा तो मुझे ख्याल आया ये बिल्कुल वही सिचुएशन हो गई थी कि आग लगी बस्ती में, हम हैं अपनी मस्ती में। उस वक्त ये मेरे ऊपर बिल्कुल सही जा रहा था। एनीवेज हम आ गए थे जूस फैक्ट्री और हमने यहाँ पे सीखा हाउ दे प्रोड्यूस इट, किस तरह एक्सट्रैक्ट करते हैं, किस तरह जो है सारा प्रोसेस होता है मिल्क को लेके, एंड और हमने प्लांट्स के बारे में काफ़ी कुछ यहाँ सीखा। सो इतने सारे प्रोफेशन एक्सप्लोर करने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद, मुझे तो था कि हम थोड़ा क्लियर हो जाएगा इन हीज माइंड के व्हाट ही वांट्स टू बी, बिकॉज एवरी देन एंड नाउ अरहम की जो है ना आइडियाज़ और सोच बदल रही होती है। लेकिन अरहम तो यहाँ आके और कंफ्यूज हो गया था, बिकॉज सब इतना फैसिनेटिंग था, उसने सब इतना इन्जॉय किया। एनीवेज अच्छा, यहाँ एक बड़े मज़े का एक चीज़ ऐसी हुई कि अरहम था इन पुलिस स्टेशन, एंड वहाँ पे दे वर ट्रेनिंग हिम हाउ टू बी अ पुलिस मैन, एंड उसके बाद मैं वहाँ, हम लोग बाहर पुलिस स्टेशन के बैठे थे, एंड हम यही सोच रहे थे कि इसमें लोग क्या टास्क देंगे, मतलब हम बड़े एक्साइटेड थे। एंड मज़े की बात ये हुई कि अरहम को टास्क दिया गया था कि अरहम ने अपने सराउंडिंग में कोई चीज़ करेक्ट करनी है, एंड कोविड प्रिकॉशंस अबू धाबी में अभी तक बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किए जा रहे हैं कंपेरेटिवली टू दुबई या ओमान या मस्कत। एंड अरहम हमारे पास स्ट्रेट आया एंड ही वॉज लाइक, मामा बाबा पुट योर मास्क ऑन, आई एम अ पुलिस मैन, यू नो। एंड हम लोग लिटरली सरप्राइज थे एंड शॉक थे कि एंड लिटरली उसके बाद भी जब मैं मास्क उतार रही थी तो अरहम लिटरली वॉज कमिंग टू मी के मामा मास्क पहने, एंड आई एम लाइक सुनो अरहम अब करेक्टर से बाहर आ जाओ, वी आर डन। एनीवेज रखिएगा अपना ख्याल, दुआ में बहुत सारा याद, इंशाल्लाह नेक्स्ट वॉक में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।